तो हेडिंग डालें मिरर्स, फॉर्मूला बुकलेट के अंदर पहला पॉइंट नोट करें कि अगर आपके पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर दो दो इमेजेस बनाता है, एक रियल बनाता है और एक वर्चुअल बनाता है। जो रियल इमेज है उसकी मैग्नीफिकेशन क्या है, एच टू बाई एच वन वी बाई यू। रियल इमेज क्या बनती है, हमेशा उल्टी बनती है, इसीलिए उसने माइनस एच टू और एच वन लिया और यहाँ पर माइनस वी और माइनस यू लिया, क्योंकि रियल इमेज हमेशा ऑन द सेम साइड बनती है। तो मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला आ गया, तो ये प्लस हो गया और माइनस साइड राइट पे चला गया। तो मैग्नीफिकेशन जो है रियल इमेजेस क्योंकि उल्टी बनती हैं, तो मैग्नीफिकेशन रियल इमेज की क्या मानी जाती है, नेगेटिव रियल के लिए और कनकेव के लिए, कनकेव का केस चल रहा है। और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव तब मानी जाएगी, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव तब मानी जाएगी जब क्या होगा, केस वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल इमेज उल्टी बनती नहीं, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनती है, सीधी बनती है। पहले आप ये नोट करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है। कन्वेक्स के केस में जो आपकी जो इमेज है वो क्या बनती है, हमेशा वर्चुअल बनती है। वर्चुअल में क्या होगा, एच टू बाई एच वन वी बाई यू, क्योंकि कन्वेक्स के केस में हाइट दोनों की दोनों क्या रहेंगी, पॉजिटिव, और इमेज और ऑब्जेक्ट क्या बनेंगे, ऑन दी अदर साइड। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है रियल इमेजेस के लिए, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है फॉर वर्चुअल इमेजेस के लिए। इन्हें यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, आप दो मिनट इसको ऐसे ही नोट करें। तो ऐसे ही ये नोट करें, चाहे आप रियल का केस लें चाहे वर्चुअल का केस लें, मैग्नीफिकेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये यूज़ करें, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये ब्रैकेट में डालें। चाहे रियल का केस हो चाहे वर्चुअल का केस हो, मैग्नीफिकेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो जब कोई न्यूमेरिकल आएगा उसमें साइन कन्वेंशन वी और यू अकॉर्डिंग टू केस पुट करेंगे, अपने आप आंसर आएगा। पहले तो ये फॉर्मूला नोट करें, और ये फॉर्मूला रियल वर्चुअल कन्वेक्स कनकेव के लिए सबके लिए एक ही लागू होता है। तो ये फॉर्मूला बात ही खत्म है, पहला फॉर्मूला ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का एच टू बाई एच वन नोट करें, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तो रियल इमेज है वो उल्टी बनेगी, तो ऑब्वियसली एच टू नेगेटिव होगा एच वन पॉजिटिव होगा, और अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो दोनों के दोनों सीधी बनेंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर हैंडल कर लेंगे। तो पहला फॉर्मूला अगर एच और एच में आता है फिर तो ये फॉर्मूला याद करके साइन कन्वेंशन वहीं पे पुट कर लेंगे। और दूसरा अगर मैग्नीफिकेशन माइनस वी बाई यू है तो वी और यू की वैल्यू पुट करके मैग्नीफिकेशन आएगा, दो फॉर्मूला यूज करेंगे। तीसरा फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तीसरा ये नोट करें अलग से, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस u, एंड मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू f माइनस v डिवाइडेड बाय f, ये दूसरी इक्वेशन ठीक है। और लिख लें मैग्नीफिकेशन नेगेटिव पुट करेंगे अगर केस रियल का आता है, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव पुट करेंगे अगर केस किसका आता है, वर्चुअल का आता है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको u निकालना हो मैग्नीफिकेशन, तो ये फॉर्मूला, और अगर v निकालना हो तो ये फॉर्मूला। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, अब कैसे यूज करने हैं इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।